डिप तीन सौ की इशू प्राइस थी और हमारा ये मानना है कि इशू प्राइस के आसपास और थोड़ा डिस्काउंट पर लिस्ट हो सकता है प्रीमियम पर लिस्ट होना थोड़ा चैलेंज होगा मुश्किल लगता है कि ये प्रीमियम पर लिस्ट हो पाए इशू को रिस्पॉन्स भी बहुत ज़्यादा नहीं मिला था <coughs> दो गुना इशू सब्सक्राइब हुआ था रिटेल में सवा गुना एच में एक गुना से कम और क्यों भी तीन गुना थोड़ा सा इशू ये होता है कि जो इशू कम सब्सक्राइब हो वहाँ पर ठीक ठीक अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल काम होता है कि लिस्टिंग कैसी होगी लेकिन आजकल का जो ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए लगता है कि डिस्काउंट पर लिस्ट होगा और इसलिए हमारा ये मानना था हमारी जो राय थी वो ये थी कि सिर्फ हाई रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स जरूरत से ज्यादा रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर ही से इशू में पैसा लगाएं या फिर बेहतर है कि आप लिस्टिंग के बाद खरीदें तो आज लिस्टिंग के बाद थोड़ा सेटल होने दें देखें कहां पर स्टॉक अपना बॉटम बनाने की कोशिश आज कर रहा है या कल एक आध दिन में करता है कहां पर जो एग्जिस्टिंग आई पी ओ इन्वेस्टर्स वो एग्जिट करते हैं और नए इन्वेस्टर्स आने की कोशिश करते हैं अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं और आपको रिस्क कम रखनी है तो तीन सौ पचास रुपए दस रुपए नीचे का आप स्टॉप लॉस एक बार रख कर चल सकते हैं अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिहाज से और बाकी हाई रिस्क इन्वेस्टर हैं तो आपको बताइए क्या करना है जो लोग नया खरीदना चाहते हैं एक बार स्टॉक को सेटल होने दें नीचे के लेवल पे कहां जाकर वोल्यूम्स होते हैं है, कितनी इक्विटी आपकी बदलती है उसके बाद डिसाइड करें ओके okay. तो में इसलिए राय भी थी कि लिस्टिंग के बाद खरीदना ज्यादा होगा बेहतर आइए बढ़ते आगे